सब्सक्राइब करिए स्टूडियो तक को, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन हेडलाइंस और न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो जानते हैं आज का हेडलाइंस। यूनियन एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने रविवार को एक वेब पोर्टल युक्ति का को लॉन्च किया है। साथ ही उसकी इम्पोर्टेंस बताते हुए उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड और इनिशिएट करेगा मिनिस्ट्री को कॉम्बैट कोविड 19 को नॉलेज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से लड़ने के लिए। साथ ही यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि क्रिटिकल इशू रिलेटेड चैलेंज और फिजिकल और मेंटल वेलबींग स्टूडेंट्स को मेंटेन करने में भी मदद करेगी इस चैलेंजिंग सिचुएशन में जो देश में चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपनी एकेडमिक कम्युनिटी को हेल्दी रखें, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने एक इन्फॉर्मेशन को अनाउंस करते हुए कहा कि ब्रिक्स मैथ्स ऑनलाइन कंपटीशन टेस्ट को अप्रैल 22 से लेकर मई 22 तक के बीच में कराई जाएगी। ये कंपटीशन क्लास 1 से लेकर 12 के बच्चों के लिए होता है। 7 ब्रिक्स कंट्रीज में भाग लेते हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और वियतनाम शामिल है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहता है कि बच्चों में मैथ्स और लॉजिकल स्किल्स को डेवलप की जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE ने अपने अपडेटेड वर्जन ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को cbse.nic.in पे रिलीज कर दिया है क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। दिल्ली गवर्नमेंट पेट प्रोजेक्ट ऑफ हैप्पीनेस क्लास सभी स्कूल चिल्ड्रन के लिए रिज्यूम कर दी जाएगी इस रविवार से, लेकिन अब ये क्लास घरों में की जाएगी ड्यू टू कोविड-19 एंड लॉकडाउन। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हैप्पीनेस क्लास का एक अहम रोल है अभी के ट्यूबलेंट सिचुएशन को देखते हुए। जहां पूरी देश से मांग उठ रही है लॉकडाउन को बढ़ाने के, वहीं ओडिशा गवर्नमेंट ने इस चीज़ को पहल भी कर दिया है। इसी चीज़ को देखते हुए ओडिशा गवर्नमेंट ने रविवार को डिसाइड किया है कि वो क्लास 10 के बच्चों का ऑनलाइन क्लास लेंगे सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो एजुकेशन हेडलाइंस और न्यूज़ के एपिसोड में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।